हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कविता होम एंड किचन में। गाइज, आज हमारे यहाँ पर बारिश आना शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो देखिए, पहले मैं अपने गार्डन में जो हमारे गोभी के पौधे पर जो गोभी लगी हुई है उनको मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी हमारी गोभी लगी हुई है। गाइज, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको बारिश से बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा और कुछ पौधे ऐसे हैं जो बारिश की वजह से खिल उठेंगे। अभी तक तो इतनी ठंड हो रही थी तो अब ऊपर से बारिश भी आना शुरू हो गई है। गमलों की मिट्टी पहले ही ठंड की वजह से बहुत ही गीली थी, अब बारिश के आने के बाद अब और ज़्यादा गीली हो जाएगी। ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से पता नहीं कितने पौधे बचेंगे और कितने ख़राब होंगे। देखते हैं आगे, पता नहीं क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा बारिश का इनके ऊपर। गाइज, क्या आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? प्लीज़ कमेंट करके बताना। अभी तो हल्की हल्की बारिश आना शुरू हुई है, लेकिन एक बात की भी खुशी है कि इस बारिश से पौधों की सारी धूल मिट्टी धुल जाएगी और इनमें एक अच्छी रौनक आ जाएगी। ज़्यादा हरे भरे हमारे पौधे लगेंगे और भी सुंदर लगेगा हमारा गार्डन। जो हमारे सब्जी वाले पौधे हैं और जो ज़मीन में लगे हुए पौधे हैं, इन पर तो बारिश का कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं होगा। इन पौधों के लिए तो बारिश का पानी वरदान से कम नहीं होगा। इस पानी की वजह से पौधों में ज़्यादा ग्रोथ होगी और सब्जियां भी हेल्दी रहेंगी, और कीड़ा भी इनके ऊपर लगा होगा तो वो भी उतर जाएगा। हो सकता है बारिश आने के बाद धूप निकलना शुरू हो जाए। अभी तक तो कितने दिन से धूप नहीं निकल रही थी, बारिश की वजह से सर्दी धुल जाएगी और धूप निकलना शुरू हो जाएगी। गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।